फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी साथियों को। आप अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के ऊपर। एक ऐसा ट्री फ्रेंड्स जो निश्चित तौर पर, यानी कि वृक्ष जो बहुउद्देशीय है, इसके कई उपयोग रहे हैं फ्रेंड्स। वो सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, मेडिसिन भी इसकी बनाई जाती है फ्रेंड्स। इसको औद्योगिक रूप से भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ कई प्रकार के व्यंजन भी इससे बनाए जाते हैं। और निश्चित तौर पे इसके अलावा और कई इसके उपयोग हैं। इसका सब आपने नाम सुना ही होगा फ्रेंड्स। और निश्चित तौर पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से आपने इसको देखे भी होंगे। आप सबके घर में इसको कई, लगभग जब भी कोई पूजा पाठ या धार्मिक कार्यक्रम होता है, कि उसके अलावा भी इसका इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स। परफ्यूम के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। यानी कि इसका जो इतिहास है बहुत पुराना है और लंबे समय से इसको इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग आज इसी के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि जो मेडिसिनल ट्री है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका इंग्लिश नेम क्या है, इसको कॉमन किस नेम से जाना जाता है फ्रेंड्स, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, इसके ट्री की क्या क्या विशेषताएँ हैं, और ये कहाँ पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि इसके सोर्सेस कहाँ कहाँ हैं फ्रेंड्स, और निश्चित तौर पर इसके कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या उपयोगिता रही हैं, और इसके अंदर पाए जाने वाले जो रासायनिक घटक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कि इसके मेडिसिनल यूजेस के ऊपर, और बात करेंगे कि इसके जो मेडिसिनल यूजेस के साथ साथ जो आप डोमेस्टिक रूप से अपने घरों में किस प्रकार से इसको फर्स्ट एड रेमेडी या अन्य चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके पहले, आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुँचाइएगा फ्रेंड्स। तो आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही यूनिक, यानी कि मल्टीपर्पज बहुउद्देशीय, इसको ट्री कहते हैं फ्रेंड्स। इसका नेम है, इसका साइंटिफिक नेम है सिनमोमम कैम्फोरा के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसको कैम्फर कहते हैं, यानी कि कर्पूर कहा जाता है, कपूर कहा जाता है फ्रेंड्स। और निश्चित तौर पर ये जो फैमिली है, ये फैमिली लॉरेसी फैमिली यानी कि कुल की है फ्रेंड्स। और निश्चित तौर पर इसका जो ट्री है फ्रेंड्स, वो इवरग्रीन ट्री होता है। फ्रेगनेंट यानी कि एक परफ्यूमिक ये ट्री है, वृक्ष है फ्रेंड्स, जो कि इवरग्रीन होता है। इसकी जो ऊंचाई होती है फ्रेंड्स, वो लगभग 50 से 100 फीट लंबाई वाला ये ट्री होता है। इसकी पत्तियां बहुत सुंदर चिकनी के साथ साथ मोमी, यानी कि एक प्रकार का उसमें से मोम लेयर लगा रहता है फ्रेंड्स, और लालिमा युक्त हरापन लिए होती हैं। और बसंत ऋतु में इसमें छोटे छोटे अति सुगंधित फूल आना शुरू हो जाते हैं। कपूर के पेड़ को घर पर लगाने से बहुत सारे लाभ ग्रंथों में मिलते हैं, बताए गए हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहते हैं कि 1000 साल पुराना जो कपूर का पेड़ है, वो जापान में आज भी स्थित है। और आप फेसबुक में, यूट्यूब में, जहां भी आप चाहें तो देख सकते हैं, ये बहुत पुराना कपूर का पेड़ है। और निश्चित तौर पर ये कई देशों में पाया जाता है, और अलग अलग वातावरण के हिसाब से, इसकी प्रजाति के हिसाब से थोड़ा बहुत गुण भी इसके भिन्न हो जाते हैं। उसी आधार पर कपूर के प्रकार भी बताए गए हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे कि इसके जो प्राप्ति स्थान है, यानी कि जो सोर्सेस हैं, ये कहाँ कहाँ पे है फ्रेंड्स। तो इसका जो वृक्ष है, ये भारत में पाया जाता है, श्रीलंका में, चीन में, जापान, मलेशिया, कोरिया, ताइवान, इंडोनेशिया आदि देशों में पाया जाता है फ्रेंड्स। निश्चित तौर पे कपूर के फ्रेंड्स कई प्रकार के लाभ बताए गए हैं। जैसा कि हमने बताया कि अगर आपके क्षेत्र में या कि आसपास ये लगा हुआ है, तो इसके बहुत सारे लाभ हैं। जैसे ये शीतल, इसको शीतल होता है, ठंडक होता है, आप सब जानते हैं इसके बारे में। इसकी तुलना में फ्रेंड्स, अगर ये जिस जगह पर लगा है, तो ऐसा कहा जाता है कि लगभग 5 डिग्री 6 डिग्री का तापमान अन्य जगहों से कम होता है। आपने सुना होगा कि जहाँ पर बट वृक्ष का हो, पीपल हो, इनकी जो बाड़ होती है, जैसे कि नीम आपने देखा होगा, जहाँ पे कई पेड़ इनके एक साथ लगे रहते हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर चेक कीजिए और बाहर का टेम्परेचर चेक कीजिए, तो लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक का अंतर आपको देखने को मिलता है। यानी कि इनको, पेड़ों को लगाएं फ्रेंड्स, इनको हम सबको बचाना चाहिए। और निश्चित तौर पर लगाना बड़ी बात नहीं, इसको तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण बात है फ्रेंड्स। और वही काम दूसरे को कहना चाहिए जो खुद करना चाहिए। तो हमने लगाया, आपको कह रहे हैं आप भी लगाइए और लगा के तैयार करिए लोगों को, तभी आपकी बात लोग मानेंगे। क्योंकि लोग वो नहीं करते जो हम कहते हैं, लोग वो करते हैं जो हमें करते हुए देखते हैं, तो उसकी वो कॉपी करते हैं, है ना। कोई ऑर्डर पसंद नहीं करता है, वो कॉपी करता है कि ये क्या कर रहा है, वही वो करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले शुरुआत अपने से करनी है। आइए हम लोग अपने पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे
ये प्राणवायु, जैसा कि अपन ने बताया कि प्राणवायु ऑक्सीजन उच्च स्तर पर बढ़ा देता है, आसपास वातावरण ये सुगंधित एवं शांति प्रिय बना देता है, बहुत अच्छा रहता है, वहाँ पे ताप नहीं लगती है फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे कि कपूर क्या है। कपूर पत्ती और तना को, मतलब किस प्रकार से कपूर, तो वो वृक्ष का नाम हो गया, लेकिन जो हम आप घर में कपूर को जलाते हैं वाइट वाइट, तो वो क्या है, और भी कई उपयोग हैं, तो उसके क्या किया जाता है फ्रेंड्स, कि पत्ती और तना को डिस्टिलेशन यानी कि आसवन विधि, आपने सुना होगा कि उसके पत्ती को तना को छोटे छोटे टुकड़े बना लिया जाता है, तो उससे डिस्टिलेशन किया जाता है उसको, और उसके बाद फिर उससे जो है कपूर प्राप्त कर लिया जाता है, यानी कि जब डिस्टिलेशन किया जाता है तो उसमें से वोलेटाइल ऑयल होता है, वो उड़ता है, और वही जब उड़ता है तो उसको कलेक्ट कर लिया जाता है ना, उसको जैसे डिस्टिलेशन करेंगे तो जब पानी के साथ वो ठंडा होगा तो ऊपरी लेयर में वो जम जाता है और उसी को कलेक्ट कर लिया जाता है, और वही वोलेटाइल ऑयल बाद में वो स्टिकली वो मजबूत हो जाता है, मोम का एक पिंड बन जाता है फ्रेंड्स, मोम जैसा एक पिंड बन जाता है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स इसके प्रकार। कपूर तीन विभिन्न वर्गों में वनस्पतियों से प्राप्त किया जाता है, इसलिए तीन प्रकार का हो जाता है फ्रेंड्स। कैसे, इसमें से तीन प्रकार बताए गए हैं। पहला है चीनी अथवा जापानी कपूर, जिसको अपन सिनमोमम कैम्फोरा कहते हैं। दूसरा है भीमसेनी अथवा वरास कपूर कहा जाता है फ्रेंड्स, जिसको डायरेक्ट सुखाकर अथवा अपक भी लिया जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम है ड्रायो बेलोनम्पस रोमैटिका के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो हमारे भारत में पाया जाता है, जिसको भारतीय अथवा पत्री कपूर कहा जाता है, जिसको ब्लू मिया स्पेसीज इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। अब हम बात करें केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसमें से बात पाई जाती है बायसाइक्लिक मोनोटर्पिन कीटोन्स, जिसका केमिकल फार्मूला है C10H+16O। तो फ्रेंड्स इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इसमें से वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है ना, जिसमें से केमिकल कंपाउंड्स जिसका होता है कि सीनेट नाइट्रो लिपाइडिक एसए फार्मुलेट और बॉर्लिन्स एक्सेट्रा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स इसका जो कलर होता है, ये कलरलेस होता है, वाइट होता है, वैक्सी होता है, क्रिस्टलिन होता है, और कई बार ये पाउडर फॉर्म में भी देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे कि कैम्फोरा, इसके यूजेस क्या है, यानी कि कैम्फोरा यानी कि कैम्फर यानी कपूर के यूजेस क्या हैं। तो कपूर का इस्तेमाल, जैसा कि अपन ने बताया कि सदियों से होता रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुगंध के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है फ्रेंड्स, यानी कि फ्रेग्रेंट के लिए, परफ्यूम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये खाना पकाने के लिए भी, कई प्रकार के व्यंजन बनाने के लिए, पिकल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। कुछ लोग इसको दूध के साथ मिला के भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ विशेष कंडीशन में जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं उसके हिसाब से फ्रेंड्स। लेकिन ध्यान रखेंगे इसके लिए सिर्फ भीमसेनी यानी कि अपक कपूर का भी इस्तेमाल ही किया जाता है फ्रेंड्स। इसका कई कार्यक्रमों में इस्तेमाल किया जाता है, कई धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, जैसे पूजा पाठ में किया जाता है, कुछ नए कार्य करते हैं, सुगंध के लिए किया जाता है, अथवा इसके साथ साथ ये लाइफ सेविंग एक रेमेडी है जो कि बहुत ही अच्छा कार्य करती है फ्रेंड्स। अब इसके मेडिसिनल यूजेस के बारे में हम बताएंगे, तो फ्रेंड्स जैसा कि अपन ने शुरू में बताया कि एक लाइफ सेविंग रेमेडी है। इसका जो पिक्यूलियर सिम्टम्स है फ्रेंड्स, वो है कोल्ड बॉडी लाइक आइस, बर्फ के जैसा शरीर पूरी तरीके से ठंड हो जाएगी, तब आप समझ लीजिए कि इसको कपूर देना चाहिए। पूरी तरीके से गर्म का सीजन हो, ठंड का सीजन हो, वो पूरी तरीके से बर्फ के जैसा ठंड हो जाएगी, बट डोंट लाइक कवर, वो कभी भी अपने आप को कवर करना पसंद नहीं करेगा, कितना भी ठंड उसको लगे, लेकिन जैसे आप उसको ढकेंगे तो फेंक देगा कपड़े को। इसका पिक्यूलियर सिम्टम्स है फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम्स है, अगर ऐसा सिम्टम्स है तो आपको कैम्फोरा का मदर टिंचर देना चाहिए, और इसको चाहे आप ग्लोबुलस ले लीजिए, सुगराफिल्स ले लीजिए, कि बतासा गामों में चलता है, उसमें भी इसके 3 से 4 बूंद डाल के दे दीजिए, पेशेंट देखते देखते खड़ा हो जाएगा, डायरेक्ट पानी के साथ इसको नहीं दिया जाता फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे कि रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है ड्राई कॉलरा, जिसको अपन सूखा हाजिया कहते हैं, और ड्राई वोमिटिंग यानी सूखी उल्टी, जो कि एकदम बिल्कुल उसको एकदम बेचैन कर देती है फ्रेंड्स, शरीर कोल्ड हो जाती है, हमेशा ध्यान रखेंगे इसको। चिली पेशेंट के लिए दी जाती है, जिसमें से लगातार ठंडी बुखार हो, पूरे शरीर से एकदम ठंडा बर्फ जैसा, इसका पिक्यूलर सिम्टम्स ये है कि शरीर ठंड हो जाए, तो आपको कर्पूर को देना चाहिए फ्रेंड्स। इसको यूनिवर्सल एंटीडोट कहा जाता है, किसी भी दवा किसी भी मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो जाए तो आप इसको दे दीजिए, उसके साइड इफेक्ट को ये खत्म कर देती है, इसको यूनिवर्सल एंटीडोट के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। इसके साथ फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि यह बहुत अच्छी रेमेडी है, अगर इसका साइड इफेक्ट हो जाए तो इसका एंटीडोट क्या है, इसका एंटीडोट है फास्फोरस और दल का मारा है फ्रेंड्स। तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा काम करती है, एंजाइना पेक्टोरिस के ऊपर काम करती है, सनी कोल्डनेस लाइक आइस जैसा कि अपन ने बताया, कोलरा वोमिटिंग
इन जैसे कि चीज़ों में, और पेशेंट कोलैप्स होना शुरू हो जाए, बेहोश होना शुरू हो जाए, उसके शरीर में उसका जो वाइटल फोर्स है वो पूरी तरीके से क्षीण अवस्था में चला जाए, ऐसे कंडीशन में आपको कैम्फोरा का याद करना चाहिए। बहुत यूनिक रेमडी है, हमने पॉइंट टू पॉइंट बात करने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लोगों तक जरूर पहुँचाइएगा। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।